सनातन में गौ माता का विशेष स्थान या विशेष पद दिया हुआ है। सामान्यतः ये बात सभी जानते ही हैं, कुछ नई नहीं है। जैसे गौ माता को चारा खिलाने से ग्रह मजबूत होते हैं ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार, फिर एकमात्र प्राणी ऐसा है, प्राणी बोल रहा हूँ, कि जो माता का दर्जा प्राप्त है और उसकी पूजा होती है, फिर एकमात्र प्राणी ऐसा है कि जिसका दूध मलमूत्र को पवित्र माना गया है और उसके पांव से निकली हुई रज को भी पवित्र। पुराने समय में ब्याह होता था, शादी होती थी, तो शाम का समय के अनुसार गोधूलि समय ऐसा लिखा जाता था, क्योंकि पहले के समय में घर के परिसर में ही शादी होती थी गांव में, और गौ माता वापस चारा खा के आती तो और उसकी धूल जो लगती वर वधु को तो उससे उनका आशीर्वाद मिलता था। और मेरा अभी जो कहना है वो अभी अलग तरीके से है कि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। तो जब भी कोई गाय माता को चारा खिलाए या घास खिलाए, देसी भाषा में बोले तो गौ माता को प्रणाम करके ऐसी भावना लाए कि गौ माता में जो भी 33 कोटि देवताओं का वास है, वो 33 कोटि देवताओं का देव दोष नाश हो। क्योंकि हम जब भी पूजा पाठ घर में भी करते हैं, सार्वजनिक भी करते हैं, तो देव दोष लगता ही है, क्योंकि हम पूरी तरह से जानकार नहीं होते हैं। तो गौ माता को चारा खिलाने से, पूजा करने से व्यक्ति का देव दोष का शमन होता है। और दूसरे कि ग्रह नक्षत्र पीड़ा भी मेरी नाश हो रही है या हो गई है, ऐसा मन में भाव ला के गौ माता को चारा खिलाओ तभी प्रणाम करो, या रास्ते में मिले कभी दर्शन हो जाए तो भी। ये एक नया दृष्टिकोण वाली मैंने बात रखी है, तो अनुकूल हो तो कीजिए। प्रभु सर्व का कल्याण करे इस कामने के साथ। अस्तु।